मैं आकाश वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। इसके पहले 5 वीडियो पड़े हुए हैं करंट अफेयर्स के, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेट एग्ज़ाम के दृष्टि से, और यूपी SSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी लेखपाल का होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और इसके पहले मेरे चैनल पर 5 वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फुलर झील ये कहाँ पर है, जो पीलीभीत में पड़ता है। फुलर झील से ही गोमती नदी निकलती है। ये पूछता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो फुलर झील जो कहाँ पे है, पीलीभीत में। रामगढ़ ताल गोरखपुर, करेला इतौजा झील जो है लखनऊ, अलवारा झील जो है कौशाम्बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है सोनभद्र में। ये कृत्रिम झील है, ठीक है। और ये जो है रामताल मेरठ, सौत झील जो है मैनपुरी, मदन सागर महोबा, सागर ताल बदायूं, पार्वती गोंडा, बखीरा झील संत कबीर नगर, मोती झील कानपुर, बड़ा ताल शाहजहाँपुर, बरुआ सागर ताल झांसी, नू झील मथुरा, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, चितौरा झील बहराइच, सुराहा ताल बलिया। आगे देखते हैं, रोहिणी जो उत्तर प्रदेश हैं उनके उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध, ठीक है, बांध और संबंधित नदी, जैसे ये जो है आपका परीक्षा जो है बेतवा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। परीक्षा बांध का नाम है और ये बेतवा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। रोहिणी ललितपुर, अर्जुन महोबा, गरई मिर्जापुर, ठीक है, गोविंद सागर ललितपुर, शारदा सागर पीलीभीत, ठीक, गढ़वा चित्रकूट, और धंधरौल सोनभद्र, मेजा मिर्जापुर, ओबरा सोनभद्र, गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र, ठीक है, माता टीला ललितपुर, जरगो मिर्जापुर, कनहर सोनभद्र, राजघाट ललितपुर, ठीक। राजघाट ललितपुर। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं कहाँ पे, कौन सा कहाँ पर है। सबरी जलप्रपात जो है चित्रकूट में, ठीक, और सिद्धनाथ दरी जलप्रपात जो है मिर्जापुर, ठीक, लखनिया दरी जलप्रपात एवं चूना दरी जलप्रपात, राजदरी देवदरी जलप्रपात जो है चंदौली में है, मुख्खा जलप्रपात जो है सोनभद्र में है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, नदी उद्गम स्थल, सहायक नदी, विशेष तथ्य, और गंगा गोमुख गंगोत्री राम गंगा गोमती। उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश बिजनौर जिले से ग्लेशियर, ठीक है, घाघरा यमुना टोंस होता है, ठीक है, और चंद्रप्रभा कर्मनाशा ये सब भी हैं। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, ठीक है। यमुना बंदरपूछ जो है हिंडन, यमुनोत्री हिंडन चंबल बेतवा, ये सब क्या हैं, इसके सहायक नदी हैं यमुना की, ठीक। और प्रदेश में यमुना का प्रवेश सहारनपुर जिले में होता है, ठीक है, और यह प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती है यमुना नदी, ठीक है। यह कालागढ़ बिजनौर में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पौड़ी गढ़वाल। कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ये कौन सी नदी है, राम गंगा जो है ये कन्नौज में है,
गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये बिजनौर के पास में जो है प्रवेश करती है यूपी में। शारदा जिसे काली नदी भी कहते हैं, मिलाम ग्लेशियर, गौरी गंगा, सरयू, यह नदी जो है भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पिथौरागढ़ बनाती है, इसे महाकाली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बहराम घाट नामक स्थान के पास में यह बागरा नदी मिल जाता है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से हवाई अड्डे हैं अब उत्तर प्रदेश में, जो उनके क्या क्या नाम है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, खेरिया आगरा, हिंडन वायु सेना केंद्र गाजियाबाद, सरसावा वायु केंद्र जो है सहारनपुर, झांसी वायु के हवाई अड्डा जो है झांसी में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश और सिटी, जैसे सीजी सिटी जो है लखनऊ में, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव के बीच में, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और दिव्यापुर, और विज्ञान नगरी लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, और वेब सिटी नोएडा, साइबर सिटी कानपुर, आईटी सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा लखनऊ, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, मानव डीएनए बैंक, मेमोरी लेक जो है कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश केंद्रीय राजकीय संस्थान जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, वाराणसी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रायबरेली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ठीक है। नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट जो है ये आगरा में। राज की चर्म संस्थान कानपुर। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, ठीक है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली। गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रयागराज। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है ये नोएडा में है। पैराशूटर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है स्कूल आगरा में। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश और सामान्य जानकारी जो है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। पूर्व में संयुक्त प्रांत राज्य की राजधानी लखनऊ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बनाया गया था, उत्तरांचल, फिर बाद में वो उत्तराखंड हो गया था, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, ये सब ज़िले जो हैं एनसीआर में आते हैं, याद करने वाली चीज़ें ये, ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल जो है
240,928 वर्ग किमी है, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है पूरे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। राज्य में लगा सीमावर्ती देश जो है ये नेपाल है, और नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ठीक है, और श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा है। एक केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है वो जो है दिल्ली। राजस्थान से सटे जिले कौन कौन से हैं, आगरा और मथुरा। हरियाणा से सटे जिला कौन सा है, मथुरा, ठीक है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, ये कौन हरियाणा से सटे हुए हैं, ठीक है। हरियाणा से सटा हुआ है अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से सटा जिला है केवल एक जिला है, सहारनपुर। दिल्ली से सटे जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत। मध्य प्रदेश से सटे जिले हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर। सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, ठीक है, कुशीनगर, महाराजगंज, सोन, ये जो हैं ये जो ज़िले हैं ये बिहार से सटे हुए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सटा ज़िला है सोनभद्र, और झारखंड से सटा ज़िला है सोनभद्र, और उत्तराखंड से सटा ज़िला कौन कौन से हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक। राज्य की सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, एक बार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पश्चिमी ज़िला है शामली, और सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, ठीक है। सर्वाधिक चार राज्यों को स्पर्श करने वाला जो ज़िला है वो सोनभद्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। प्रदेश में कुल 9 जलवायु क्षेत्र हैं, कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 9, और सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला गोरखपुर है, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला मथुरा है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो है मध्य प्रदेश है, ये मैं पहले ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्रफल है बुंदेलखंड, और उत्तर प्रदेश ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सिंह और विश्वनाथ चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ गौरव प्राप्त किया था, प्रताप सिंह ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आप लोग पूरी सीरीज़ वीडियो देखिए, ज़रूर आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।